आप सभी लोगों का हमारी शमाज़ गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बहुत अच्छे से प्लांट एक ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जो आपके घर में लगाने से सुख समृद्धि लाते हैं, बहुत शुभ प्लांट कहलाते हैं। प्लांट तो हमारे सभी बहुत शुभ होते हैं, सारे प्लांट हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं कि हम अगर अपने गार्डन में उनको लगाएं। फूलों के प्लांट, वेजिटेबल्स हों, चाहे हमारे पास 100 प्लांट हों, सारे प्लांट हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं कि वो हमको से हमसे लेते नहीं, हमको देते हैं। इसलिए कि वो फ्लावरिंग, अपनी खूबसूरती, अपने फ्रूट्स हमको देते हैं कि जो हमारे जीवन में उनका उपयोग होता है। प्लांट अगर हमारे रहेंगे तो हमारे पृथ्वी पे प्रदूषण दूर हो जाएगा। तो ये प्लांट हमें अपने घर में लगाने चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि ये प्लांट हमारे लिए खराब हैं। शुभ हमारे लिए सारे प्लांट होते। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जो बहुत पवित्र होते हैं, उनको लगाने से घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको हम पॉजिटिव में बदल देते हैं। वो तो ऐसे प्लांट अपने घर में, जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगी, वो हम अपने घर में पॉट में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा गार्डन नहीं है, टेरेस है, बालकनी है, उसमें लगा सकते हैं। अगर गार्डन हो तो गार्डन में लगा सकते हैं कि जब हम अपने प्लांट हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं या प्लांट हो, तो वहाँ बैठिए और कितना अच्छा आपको वो जगह लगेगी, वो एरिया लगेगा, बहुत खूबसूरत वो आपको लगने वाला है। तो मैं कुछ चुनिंदा प्लांट लेके आई हूँ जिसे अपने घर में लगाने से हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी और पॉजिटिव हमारी एनर्जी हमारे घर में इंटर करेगी। और उन्हें लगाने से घर में धन दौलत सब कुछ आता है और बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। उनको आप ऐड कीजिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये जो मैं प्लांट बताऊंगी, जो बहुत पवित्र प्लांट हैं, बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, सभी लोगों को, हर धर्म के लोगों को उनको अपने घर में ऐड करना चाहिए। जो पूजा करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, उनको भी प्लांट अपने घर में ऐड करने चाहिए, जिससे हमें वो उनसे फ़ायदा हमें मिलेगा, हमें वो नुकसान नहीं करेंगे। उनको लगाने से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और उनका हम यूज भी करें तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी लिस्ट है लेके आई हूँ, थोड़े से प्लांट लेके आई हूँ जिसे अपने घर में आप ऐड कीजिए और घर को खूबसूरत और खुशनुमा और बहुत अच्छी एयर, या आप कुछ भी समझ लीजिए, प्लांट लगाने से आपका घर तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी वैसे ही भाग जाएगी, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेगा। तो छोटी सी लिस्ट है, इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, इसी तो सभी लोग जानते हैं, ये बनाना एंड केले का प्लांट है। इसको बहुत धर्मों में बहुत मान्यता है और बहुत यूज होता है। इसके पत्तों पे हम लोग खाना भी खाया जाता है जो बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है, कि इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छा प्लांट है। पहले तो हम प्लांट को इसको ज़मीन में ही ग्रो कर सकते थे, ज़मीन में ही लगा सकते थे। अब इसकी छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे हैं जो हम पॉट में, कम से कम इसको हम 15 इंच के या 20 इंच के पॉट में लगाएंगे तो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा भी प्लांट हो जाते हैं और छोटे प्लांट भी होते हैं, जिसमें हमें फ्रूट्स मिलता है, बनाना मिलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कम ज़्यादा पानी लेता है, कम फर्टिलाइज़र में ये प्लांट अपने घर में ऐड कर सकते हैं। टेरेस हो, बालकनी हो, कहीं पे भी आप इसको रखिए, बहुत शुभ होता है प्लांट। इसे हम अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए कि अब हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम गार्डन नहीं है हमारे पास तभी हम ये प्लांट लगाएं, अगर अब तो हम गमले में भी इसको लगा सकते हैं। तो इसको अपने पास ज़रूर लगाइए। अब नंबर आता है सेकेंड, जो सेकंड नंबर प्लांट है वो तो सभी इसके ग्रो के बारे में भी जानते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है और इसलिए आप इसकी पौध भी ला सकते हैं और इसको घर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। मेरा वीडियो इस पे नंबर पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इस हल्दी लगाना, हल्दी लगाना मैंने जुलाई में लगाई हुई थी, अब मेरे यहाँ बहुत अच्छा इसका प्लांट्स लगे हैं और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी मिलेगी, हल्दी भी मिलेगी और इसकी लीव्स भी बहुत अच्छी होती हैं। हमारे घर में किसी तरह की हमारे चोट लग जाए या फंगस प्लांट में या किसी तरह का दाग खाद खुजली हो जाए, इसकी लीव्स की पेस्ट लगाइए और बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। हल्दी बहुत गुणकारी होती, एक प्लांट से आपके कई चीज़ें मिलेंगी। इसमें इस प्लांट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके यूज
भी ना हो। तो हल्दी हम अपने पॉट में भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से कम आप उसको अगर सिंगल प्लांट लगाएंगे तो काफ़ी बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं। एक प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो एक 10 इंच के या 15 इंच के गमले में लगा दीजिए, या आपके पास ज़्यादा छैला हुआ गमला हो उसमें लगाइए। भले ही लंबाई ज़्यादा ना हो मगर उसकी चौड़ाई बहुत होनी चाहिए अच्छी, जिसमें वो फैल के हल्दी आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको 3rd नंबर पर बताती हूँ, बहुत अच्छा प्लांट है सुख शांति प्लांट, देख रहे हैं। इसे लगाने से हमारे घर में सुख शांति आती है। ये इजीली आपको नर्सरी में मिल जाएगा या आपको कटिंग कहीं मिले तो कटिंग ले लीजिए। ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं मेरे गार्डन का है और इसको हम बहुत आसानी से कहीं इस पे भी आपको ये मिलेगा, आपको पार्क में भी मिल जाएंगे। इसमें वाइट कलर की छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसे लगाने से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, आपको बिजनेस या कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत तरक्की होती है। तो ऐसे प्लांट भी हम अपने गार्डन में ऐड करेंगे जिससे हमारे गार्डन में खुश माहौल होगा, अच्छा माहौल हो जाएगा, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसको लगा के ज़रूर देखिए। अब आते हैं नंबर 4, अपराजिता। ये प्लांट हम अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो फ्लावरिंग भी मिलेगी। आप देखिए फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो इस प्लांट के जो फूल होते हैं उनकी बहुत मान्यता है, बहुत उसमें यूज होते हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देते हैं, बहुत अच्छे से आपको आयुर्वेदिक में भी यूज होते हैं और घर में सुख समृद्धि देते हैं। तो ऐसे प्लांट हम अपने घर में ऐड करेंगे जिससे हमें कई फायदे होते हैं प्लांट से, तो वो प्लांट हमारे लिए सभी बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। और इतनी अच्छी इसमें आयुर्वेदिक में इसका यूज है, इसकी जड़ से लेके इसकी जो फलियां निकलती हैं वो फ्लावरिंग इसकी लीप्स बहुत उपयोगी है और बहुत आसानी से लग जाता है। आप 10 इंच के पॉट में लगा ली तो बहुत दिनों इसकी बेल रहती है और जल्दी मरती नहीं है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक बीज तैयार कर लीजिए तो आप एक बीज की जो फली होती है वो बहुत सारे प्लांट आपको देगा। तो बहुत इजीली ये लग जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत आसानी से ये प्लांट बढ़ता चला जाता है। चलिए अब आता है नंबर 5, जेट प्लांट्स। बहुत अच्छा है ये, आप कटिंग से लगा सकते हैं इस प्लांट को, बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत खूबसूरत। चाहे बोनसाई बनाइए, चाहे आप इसकी हैंगिंग बास्केट बनाइए। और एक प्लांट से मैंने खुद इस एक छोटा सा प्लांट में लेके आई थी, कई प्लांट इसके बनाए हैं और बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसको कम से कम सुबह की या शाम की 1.5 घंटे की धूप मिलती रहेगी तो बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा। और तेज़ धूप से ज़्यादा बताइए, बस ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा शेडी एरिया में नहीं, तो 50-50 इसको देंगे तो बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। कम पानी लेता है, ज़्यादा पानी इसका यूज मत डालिए मत, और ड्रेनेज होल का बहुत अच्छा ख्याल रखिए तो प्लांट आपके यहाँ बहुत ईजिली सर्वाइव करेगा। अब नंबर आता है बैम्बू, नंबर 6। बैम्बू प्लांट तो सभी लोग जानते हैं, आप चाहे बड़ा बैम्बू लेके आइए चाहे छोटे वाले प्लांट बैम्बू के लेके आइए, जो वाटर में लगाइए चाहे मिट्टी वाला भी लगाइए, तो बैम्बू सभी बहुत अच्छे होते हैं। ये हमें बहुत चीज़ों में उपयोग होता, बहुत शुभ प्लांट होते हैं, इसकी लकड़ी बहुत उपयोगी है, इसके कई फायदे होते हैं। इसको हम ईजिली वाटर में लगा सकते हैं और इस बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि हफ्ते में इसका एक बार पानी चेंज करते रहिए और इजली इसको हवा ऐसी जगह रखिए, विंडो या आप रूम में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए जहां हवा आना जाना हो और हवा अच्छे से इंटर हो बाहर की, तो ये ताज़ी हवा इसको लगती रहेगी। तो ये प्लांट इंडोर बहुत अच्छे सर्वाइव करता है, चाहे आउटडोर रखिए चाहे इंडोर रखिए, बहुत अच्छा प्लांट है। तो ये इस प्लांट को आप ऐड जरूर कीजिए, कई डिफरेंट शेप में आता है, जिस तरह से आप चाहें इसको घुमा के तैयार कर सकते हैं, जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दीजिए। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, पानी आप बस देते रहिए, चेंज करते रहिए, फिर बढ़िया सी ग्रोथ होती रहिए। कोई केमिकल मत डालिए, आपका प्लांट ये सर्वाइव करता रहेगा। सिर्फ पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पानी इसमें साफ़ रहना चाहिए, पानी साफ़ रहेगा तो फंगस नहीं लगेगी तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। अब नंबर आता है हमारा 7। ये देखिए सभी लोग इसको जानते हैं, बहुत फेमस प्लांट है मनी प्लांट्स, तो इसका नाम ही मनी प्लांट्स है, तो प्लांट्स तो मनी दे गई। तो
इस तरह से इसकी लीव्स इतनी डिफरेंट में अब आने लगी हैं। तो आपको लॉन्ग में चाहिए, बड़े मनी प्लांट में चाहिए, छोटे मनी प्लांट में चाहिए लीव्स, तो उस तरह से आप इसको लीव्स को इंडोर या आउटडोर लगा सकते हैं। इंडोर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए, कहीं भी प्लांट इंडोर जितने भी प्लांट हों, अगर आप उनको थोड़े से बाहर की हवा और हल्की सी सनलाइट मिलती रहेगी तो इंडोर भी बहुत अच्छे प्लांट ग्रोथ करते हैं। आउटडोर रखेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट से बताइए, इसके पास छन की धूप लगनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट लगेगी तो प्लांट जल जाएगा, बहुत नाजुक प्लांट होता है, और इसमें वाटिंग नमी बनी रहनी चाहिए हर वक्त इसमें। इस तरह से ये सर्वाइव इतना अच्छा करेगा प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत इसकी मान्यता है। तो हर घर में ये प्लांट ज़रूर मिलेगा, ईजिली सर्वाइव होता है, कोई ज़्यादा केमिकल या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप एक डेढ़ महीने में इसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दीजिए, प्लांट आपके अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा बहुत ईजिली। चाहे आप पानी में लगाइए चाहे मिट्टी में लगाइए, आपको इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 10 इंच का पॉट हो, 8 इंच का पॉट हो, उसमें ये ईजिली लग जाएगा। चाहे आप हैंगिंग बास्केट बनाइए चाहे इसका कुछ भी कीजिए, बहुत ईजिली सर्वाइव करता रहता, हार्डी प्लांट है। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा प्लांट है। ये प्लांट में इतने गुण हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं कि इतने सारे इस प्लांट में गुण हैं। तुलसी बहुत अच्छी तुलसी होती है, ये आपको हर घर में मिलेगी, कोई भी कौम की हो या किसी भी कास्ट के लोग हों, तुलसी हर घर में आपको मिल जाएगी। कि इसके इतने उपयोग हैं, इतना फ़ायदा है इस तुलसी से, कि घर में लगाने से हमारे निगेटिव एनर्जी तो घर में इंटर कर ही नहीं सकती है, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हम इसकी चाहे टी बना के खाएँ, चाहे इसकी लीव्स ऐसे खाएँ, चाहे बीज खाएँ, तो हर तरीके हर बीमारी में इसका बहुत उपयोग है। बहुत अच्छी तुलसी होती है, और देखिए ब्लैक तुलसी हो चाहे आपके पास ग्रीन वाली हो, ब्लैक तो बहुत अच्छी होती है, ग्रीन भी होती है, मगर ब्लैक बेस्ट होती है। बहुत अच्छे गुण होते हैं, इसको पीने से कई बीमारियां हमारे शरीर की दूर हो जाती हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि हर घर में तुलसी लगाइए और इसका यूज डेली कीजिए, बहुत अच्छे सर्वाइव करती, बहुत हार्डी प्लांट है, और इसका हम लोग ज़रूर अपना घर में उपयोग किया करें। ये तुलसी बेस्ट है प्लांटों में, तुलसी बेस्ट है, इसको ज़रूर ऐड कीजिए और बहुत जल्दी सर्वाइव होता है। सिर्फ सीड्स से लगाइए, सीड्स मिल जाए या आपको प्लांट मिल जाए, पहली बार तो आप एक बार अगर प्लांट लगाएंगे तो सालों साल आपके घर में सर्वाइव करता रहिए। चाहे फुल सनलाइट में रखिए, बहुत हार्डी प्लांट है, मेरे यहाँ रहती हैं, मेरा ब्लैक कलर की 2 तुलसियाँ हैं, कई प्लांट हैं हमारे पास, ग्रीन वाली भी है, मगर इतनी तुलसी का यूज डेली हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जिसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अब नंबर आता है हमारा 9, हारसिंगार। ये प्लांट के बारे में बहुत मैंने जितनी कोशिश की है आपको प्लांट जो दिखाए हैं, वो हमारे आयुर्वेदिक में बहुत उपयोग है। उससे हमें एक फ़ायदा नहीं, कई फ़ायदे प्लांट से हैं। इसकी जो लीव्स निकलती हैं हर सिंगार की, जो हमारे बॉडी में सूजन, स्वेलिंग या पेन हो, उसमें इसका लेप लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, और कई इसके यूज हैं। फूल भी बहुत उपयोगी हैं, और इस प्लांट को हम अपने घर में लगाएंगे तो शुभ समृद्धि आती है, और प्लांट की जो फूल होते हैं बहुत उपयोगी, बहुत अच्छे होते हैं, हर जगह इसका यूज होता है। तो इन प्लांटों को आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी तरह से आपको ये नेगेटिव एनर्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब पॉजिटिव एनर्जी वाले प्लांट होते हैं और बहुत उपयोगी है। हमारे आयुर्वेदिक में इसका बहुत उपयोग है, इसकी लीव्स, इसके फ्लावर्स, स्टिक्स एंड इसकी जड़ सभी उपयोगी होती, हमारे जीवन में इसका उपयोग होता है। अब मैं जो आपको 10th एक बता रही हूँ, 10 नंबर, ये पान। पान तो सभी शुभ कामों में बहुत उपयोग होता है, पान का शुभ काम जब हम करने जाएंगे तो पान हमारे हर काम में सबसे पहले आता है। पान से कई काम शुरू किए जाते हैं, शुभ काम करने जाएंगे तो पान का उपयोग होता है। तो ऐसी चीज़ें अपने गार्डन में लगाइए जिससे हमें हम यूज भी कर सकें, खा भी सकें, और उससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी आए और सारे शुभ कामों में हमारा वो यूज हो। तो हम इस तरह से प्लांट जो कुछ ऐड करेंगे अपने घर में, तो हमारे घर की जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब भाग जाएगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उनको घर के अंदर ही रखेंगे तभी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास टेरेस हो तो टेरेस में लगा सकते हैं,
या आपके पास बालकनी हो, बालकनी में लगा सकते, गार्डन हो तो गार्डन में लगा लीजिए। तो वो हमारे एक एरिया सब कवर नहीं, हमारे पूरे घर को, कि हम उसके पास जाते हैं, हम उसके पास बैठते हैं, उठते हैं, तो वो हमारे एनर्जी जो निगेटिव होती है वो उसको कवर करती है और हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जी है उसको भी दूर करती है। तो ऐसे प्लांट आप ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत है और हार्डी प्लांट है और बहुत उनका उपयोग है और ज़्यादा ज़्यादा महंगी प्लांट नहीं आते, बहुत कम रेट में ही आपको प्लांट नर्सरी से मिल जाएंगे और हमारे घर की जितनी निगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव में बदल देंगे। अब नंबर आता है 11। मैंने कुछ ज़्यादा प्लांट की लिस्ट नहीं बनाई थी कि आपको बोर नहीं होना चाहिए पड़े, और लिस्ट बहुत छोटी है, प्लांट तो बहुत सारे हैं, हमारे जीवन में प्लांट का उपयोग बहुत है। तो ऐसे प्लांट मैंने ऐड जो किए हैं जो आप लोग ईजिली परचेस कर सके। अब नंबर आता है 11, शमी का प्लांट, देख रहे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती और इसका कितना उपयोग है। कई देखिए जो इसके लीव्स हैं वो बहुत उपयोगी होती है, जो इसके फ्लावर हैं वो उपयोगी, इसकी कई धारणाएं हैं, कई ग्रंथों में हैं, जिसका वर्णन बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसकी जो हम लोग स्टिक होती है, जो इसकी हम लोग प्रोनिंग करते हैं इस प्लांट की, या लिस्टिक से छटाई टाई करते हैं, तो लकड़ियाँ फेंकी नहीं जाती हैं, इसका हम लोगों को बहुत उपयोग है। लोगों को इसमें हवन में डालते हैं या किसी भी चीज़ में यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं, अरे अलग अलग सबकी अपनी अपनी धारणाएँ हैं, उसको यूज करते हैं अपने, इसको चाहे आप पेस्ट बना के अपनी स्किन में लगा सकते हैं या आपके किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया उसमें लगा सकते हैं। तो इस प्लांट से हमें कई फ़ायदे होते हैं, कई चीज़ें हमारे इस प्लांटों से हमको मिलती हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता। तो ऐसे प्लांट लगाइए, और ज़्यादा तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर इंसान, हर एक इंसान अगर एक एक प्लांट, हम सब मिलके इस पृथ्वी को बचाएंगे, एक एक प्लांट लगाएंगे, तो हमारे जो पृथ्वी पे इतना प्रदूषण हो गया है, हम अपने घर की ही नेगेटिव एनर्जी को ना भगाएं, हम अपने जो पृथ्वी पे इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतना प्रदूषण हो है, अगर हम सब मिलके उस प्रदूषण को भगाएंगे पेड़ लगा के, तो हम लोग आगे चल के जो हमारी जनरेशन आ रही है उस जनरेशन को बहुत अच्छी एयर दे सकते हैं, अच्छी माहौल दे सकते हैं, हरा भरा पर्यावरण दे सकते हैं, जिससे उनको आगे प्रदूषण से मुकाबला ना करना पड़े। हम ही अगर मिलके दूर करेंगे उसको, तो जो हमारी पृथ्वी इतनी ख़राब होती जा रही है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, सांस लेना हमको दूभर हो जाएगा, जिस वजह से हमें इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इतनी प्रॉब्लमों से सामना पड़ना पड़ता है। तो हम सब मिलके ये पृथ्वी को शुद्ध बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, पर्यावरण को दूर, जो दूर भाग गया है उसको पास लाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। तो हमने जो आपको ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, जो वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रहा है, कोई कमी आ रही, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, जो आने वाली वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। तो आप सबका साथ होगा, सब मिलके हम 7 दिन में प्लांट लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो सब मिलके प्रदूषण को भगाएंगे, सब मिलके अगर प्रदूषण भगाएंगे तो पृथ्वी हमारी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी और शुद्ध हवा, शुद्ध एयर हम सबको मिलेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।